होगा। तो बताओ कोई भी नहीं, सर साहब आपको बात करना है। हां बात कर लीजिए, हमको ये बताइए यहाँ कोई दूसरा उनके यहाँ संभालता नहीं? नहीं नहीं, ये आगे बिल्डिंग तो नहीं बन रही थी। हां जी, भाई हमको बस खतरा महसूस हो रहा है कि हमारी दीवारों पर इतना बेसमेंट खींचा गया, तो ऐसा ना हो कि हमारी दीवारें गिर जाएं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी दीवारें सेफ करने की सबसे पहले व्यवस्था करें। जब खुदाई हो रही तो आपने कहा नहीं किसी? भाई उस समय बात थी तो ये होता कि यहाँ पर पिलर खींच दिया जाएगा और दीवार बन जाएगी, पिलर खींच जाएंगे। तो हमने उनको उतना आइडिया भी नहीं था भाई, अपना ठीक है इंजीनियर इनके बनाए थे, अधिकारी भाई हमने उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। कार्रवाई का संकेत योगी जी ने दे दिया है, कानपुर नगर निगम कानपुर विकास प्राधिकरण दोनों एक हो जाएगा। जिस दिन वो हमारे अंडर में आ जाएगा तो हर एक बिल्डिंग पे हम लोग निगाह अपनी रखेंगे और अवैध निर्माण नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, कोई जनहानि ना हो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। जब तक के आपके हाथ नहीं आएंगे, जब तक के ऐसे हादसे होते नहीं, आवाज उठाएंगे इसके लिए, तैयारी करेंगे, कल जाके कानपुर विकास प्राधिकरण में बात करेंगे। ये सब जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी करेंगे कि नक्शा नहीं था। जो भी बिल्डिंग का मालिक हो, कौन ठेकेदार था, क्या है, उसकी जानकारी करके केडीए मेन केडीए कैसे बगैर केडीए के जानकारी के बगैर थाने की जानकारी के निर्माण नहीं हो सकता है, ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ये सिविल नेचर का मैटर होता है, जनरली पुलिस की कोई इसमें हियर से नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो, एनीवेज किसी की भी अगर पुलिस की केडीए की अगर जिसकी भी है गलती में निकलेगी कि गलती है, तो इस चीज़ का संज्ञान लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, खाना अंतर्गत कई ऐसे निर्माण हो रहे हैं उसको अनदेखा किया जा रहा है, क्या उसको चिन्हित कराएंगे या उसकी जाँच कराएंगे? बिल्कुल, अगर इस चीज़ में गंभीर जाँच की आवश्यकता है, अगर ऐसी बात है आप लोगों के माध्यम से ये बात आ रही है तो हम लोग इसे ऊपर रखेंगे और जो भी संबंधित इसमें डिपार्टमेंट है वो इसकी जाँच करें कि कौन सा कंस्ट्रक्शन लीगल है, इलीगल है या कौन सा गलत हो रहा है।